How's the film was? Starting was a little slow, but later on it picked up very well. What you can say about the Vicky Kaushal's performance? In very good. How he has captured the soul of... Yeah, he is very good. He has done well? Good. Would you like to recommend to others? You know, seeing an Indian military movie, army movie, Sam. What would be your ratings out of 5, according to the film? Out of 5? Yes. About 4. Oh. Sir, madam, aapko kaise lagi? 5 out of 5. I love Vicky Kaushal's acting. Movie was good. According to you, what was the best apart from the, you know, Vicky Kaushal's performance? The whole movie was good. People are saying that Vicky Kaushal should get the best actor award of the Yes, season. He what should get. He's too good. Okay. He's acted very well. What you can say about the elements of, you know, the 1971 set, the wars, the everything? Overall, very good. It was nice to watch the movie. Thank you. मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मूवी से पहले ही मैं जानता था कि सैम बहादुर कौन है, सैम मानेकशॉ कौन है, फील्ड मार्शल है वो, तभी तो ये पदवी भी नहीं हुआ। हाँ, और बेसिकली जो मेरे दादा थे उनके साथ में वो रहे हुए हैं, तो आई नो दैट पार्ट। तो मुझे पता था उनके पहले, मतलब जो पोस्टर आया 2 साल पहले विकी कौशल का, उससे पहले मुझे पता था कि हाउ वुड द फिल्म बी। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था, आई थिंक फिल्म वैसी ही निकली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही। जिस तरीके से पहले का जो सेट्स दिखाया गया है, पहले की जो बातें दिखाई गई है, वो सारी चीज़ें एलिमेंट्स फिल्म में किस तरीके से भर गए हैं? मूवी फील करवाती है कि हम जो साल का वो बता रहे हैं वही साल में हम है, वैसा फील करवाने में वो सक्सेसफुल है। क्या बात है, पूरी। सैम मानेकशॉ की जो लाइफ स्टोरी हम देखते हैं, तो 1971 वाज द मेन हाइलाइटेड पार्ट, वाज द वॉर। व्हाट कैन से कि फिल्म में किस तरीके से उस पार्ट को दिखाया गया? आई थिंक जो दिखाया गया है उसमें प्रॉपर जस्टिस की जो दिखाया है, जैसा भी दिखाया गया है वो प्रॉपर दिखाया गया है। मुझे लगता है आई थिंक उन्होंने जो रोल है वो ले लिया है अपने में। क्या बात है। और मैं फुल्ली अग्री करता हूँ कि जो रोल उन्होंने निभाया वो सैम मानेकशॉ का ही है प्रॉपर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सैम मानेकशॉ का आशीर्वाद या फिर द वे ही हैज पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर, आई थिंक पीपल वर यू नो फीलिंग द सैम मानेकशॉ प्रेजेंस। आई गेस वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली होगी, जैसे कि हमने वीडियोस में या कुछ न्यूज़ देखी है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, कि उतने पुशअप्स करते थे, उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग उतनी की है ये रोल के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली अग्री विद द फैक्ट कि उनके अंदर आ गया होगा वो कैरेक्टर। मेघना गुलजार साहब का, उनका कैसा काम वगैरह था, डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। गाने उनकी म्यूज़िक है वो, आई वुड नॉट से कि म्यूज़िक के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बट वो मूवी के साथ एक फ्लो में चलता रहता है। क्या बात है। वो ब्लेंड हो जा रहा है प्रॉपर। उतना फिल्म, मुझे लगता है कि फिल्म पसंद आएगी एज अ फिल्म। आई वुड से कि प्लीज़ ये मूवी देखिए, जैसे इसके साथ एनिमल तो आई है, बट आई वुड लाइक टू से कि ये फिल्म भी देखिए। एनिमल तो देखिए बट ये ज़रूर देखिए। 5 में से कितने स्टार देंगे आपको? 5 में से मैं 4.5 तो एटलीस्ट दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।